संघटन गांधी हास्पिटल मर्चिपये जनाधी हास्पिटल वर्ल्ड फेमस प्रपंच हास्पिटल अत्यंत तीन प्रपंच देश साइबराबाद हैदराबाद अपने भारत वर्ष में ये तामिल कर रहे आज इस जोन के इसमें जहाँ भी पूरा अपना पब्लिक या जो पुलिस से मदद करने उनको सपोर्ट देने के लिए आया उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और जो भी पुलिस तेलंगाना का पुलिस है वो अमर हुए उनका फैमिली मेंबर्स को भगवान उनको सुख शांति देना बोल के मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए सबको मैं यहाँ जो आए उनको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू। पूरे पूरे फोटोज वीडियोज आ जाना आप लोगों के लिए दूसरा बात అమరవీరులకు వేదాంగ ప్రకటించిన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు పోలీస్ సేవలు ఎలా ఉన్నాయి पूरे पूरे फोटोज वीडियोज आ जाना आप लोगों के लिए दूसरा बात పోలీస్ అమరవీరులకు మా సేవల గుర్తింపుగా మా అమరవీరులకు వేదాంగ ప్రకటించిన మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम यहाँ पे जो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के और मेरे माँ और मेरे बहने मेरे भाई जो भी हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे अब्दुल रहीम मेरे कज़न ब्रदर है। 19 तारीख के दिन इनके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते रहेगा और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत कॉपरेट रहा और बहुत साथ दिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले। हम यहाँ पे काचीगुड़ा यहाँ पे चादरगढ़ पी एस में कंप्लेंट करे, बच्चे को किडनैप करे बोलते, फिर यहाँ से हम लोग कोकटपल्ली गए। कोकटपल्ली में लक्ष्मी नारायण रेड्डी SHO काफ़ी हम लोग को बहुत कॉपरेट करे और SOT संजना सर, हमें CP संजना सर की टीम, SOT ट्रांसपोर्ट्स वगैरह पूरे इनको ट्रेस करने के लिए माशाल्लाह बहुत सारा वहाँ पे पुलिस के हमले को वहाँ पे भेज दिए। टंगरटी PS, पटेंचेरू PS पूरा इलेक्ट कर दिए। ये बच्चे को किडनैप करके इनसे कुछ पैसों की डिमांड करे और इधर गले के पास में ठीक है, अब ये निशान वगैरह भी है, इनको चाकू लगा के फोटोज डाल के इनके फ़ोन को इस्तेमाल करें। किडनैपर्स 5 किडनैपर्स थे और उसमें तकरीबन 4 किडनैपर्स यहाँ के नहीं, हमारे तेलंगाना स्टेट के नहीं है, अदर स्टेट के, राजस्थान कलकत्ता। तो वो लोग इनको किडनैप करे, पैसेंजर ऑटो है समझ के आप बैठ गए उसके अंदर, उनको इनको लेके गए, फिर इनके फ़ोन से व्हाट्सअप से इनके फ़ोन से हम लोग को फोटोज भेजे, भेज के बोले इतना पैसे दे दो नहीं तो इसको 10 मिनट में हम मार देंगे। फिर हम लोग उसको जब मैं कोकटपल्ली PS के हमारे SHO लक्ष्मी नारायण रेड्डी साहब से मैं कॉन्टैक्ट करा, फिर हम लोग उनके पास में गए PS को, वो लोग पूरा ट्रेस करके इनको लेके आए, वो लोग को पकड़ लेके अभी रिमांड कर दिए, जेल को भेज दिए। मैं हमारे तेलंगाना पुलिस से जो है ना बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे को सेफ करे और हम लोग पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हम हमारे पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे चादरगढ़ PS और हमारे कोकटपल्ली PS का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मोहम्मद जीशान मलकपुर में रहता हूँ, मेरा भाई जो है ना कोकटपल्ली में रहता, उसको 5 लोग किडनैप कर लिए थे, 5 लोग किडनैप कर लिए थे, किडनैप कर लेके 3 लाख रुपये का ऑफर करे, 3 लाख रुपये देने तो छोड़ते बोलते, तो मुझे कुछ नहीं सुना। रात के 11 बजे चंदगढ़ किए जाके ऐसे ही साहब गोपी किरण रेड्डी साहब से मिला, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करे मेरे साथ, बहुत हेल्प करे, इमीडिएट उन्होंने बड़े जहाँ जहाँ फ़ोन कर रहा है वहाँ फ़ोन करके एक्टिव करके उन्होंने जो है ना काचीगुड़ा PS को भी कम्प्लीट करके फटाफट 2.5 से 3 घंटे में मेरे बच्चे भाई को एक पकड़ के वापस ले गया। सामिया बाजार में रहता हूँ, सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में हूँ। लॉकडाउन के समय कोई नॉर्थ इंडिया से राजस्थान फैमिली आया हुआ था सामिया बाजार में, तो कुछ लॉकडाउन के वजह से फंस गए थे, उनके घर में कोई एक लेडी प्रेग्नेंट थी, लॉकडाउन के समय रात को 10:30 के बजे उनको दवाखाने ले जाना था, तो एम्बुलेंस को अप्रोच नहीं कर सके कोविड के कारण, फिर अपने SHO साहब को कॉल किए, तो SHO साहब तुरंत एक प्राइवेट कार अरेंज करके उनको काचीगुड़ा वेंकटेश्वर मेटर्निटी हॉस्पिटल को पहुंचाए, उसके वजह से उनको हेल्प हो गया और वो अभी सेफ है। और रेगुलरली कुछ भी प्रॉब्लम है तो सुल्तान बाजार पुलिस बहुत हेल्पफुल है, इमीडिएट वेरी शॉर्ट नोटिस में पेट्रोलिंग टीम और आके कुछ भी इशू है तो सॉल्व। क्या क्या प्रपोजल है बोलो बोला, उतने में मैं पानी दी उनको, पानी लेने के अंदर गई, पीछे से आके मेरा गला लगा के मेरे गहने ले गए 17-18। उसके बाद मैं आधे घंटे में होश में आके घर में बच्चों को फोन करी, बच्चे सब आके पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाले मुझे बहुत सहायता करे, 15 दिन में 7 दिन लगा के उसको पकड़े और क्या बोलते सो इतना करे मेरे लिए कि 15 दिन में मेरा सामान मेरे को मिला, मैं जिंदी रही पुलिस वालों की तरफ से और रात दिन एक करके मेरे बहुत सहायता करें। आशा करती हूँ कि ऐसे हम जैसे उम्र वालों को भी पुलिस डिपार्टमेंट अगर सहायता करे तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहूँगी, हृदयपूर्वक मेरा नमस्ते सबको पुलिस डिपार्टमेंट।
गुड आफ्टरनून टू ऑल. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सुना था कि पुलिस इज वेरी फ्रेंडली, लेकिन जो हमारे मदर के साथ जो केस हुआ उसके बाद वी हैड अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट तेलंगाना पुलिस इज रियली रियली फ्रेंडली. हैट्स ऑफ टू देम. थैंक यू. पेरु माधवी अंडी, मामगारु यशोद. ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ ఉంది, మా ఓన్ షాప్. మా ఫాదర్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత షాప్ లో ఉన్న అతనికి మేము బిజినెస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి నెలకు కొంత ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశాము. కొన్ని రోజులు మాకు అమౌంట్ ఇచ్చి తర్వాత షాప్ తనదే అని దొంగ డాక్యుమెంట్స్ కోర్టులో సబ్మిట్ చేసి మాకు నోటీస్ పంపించారు. గత 9 సంవత్సరాలుగా మేము ఈ కేసు గురించి కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్నాము. చివరిగా స్నేహితుల సలహా ప్రకారం సుల్తాన్ బజార్ పోలీసులను సంప్రదించాము. వారు మాకు చాలా అండగా నిలిచి కావలసిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సేకరించి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి పంపించారు. అతను చేసింది ఫోర్జరీ డాక్యుమెంట్ అని నిరూపించారు. దీనికి నేను నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ ఈ సభాముఖంగా నేను ముఖ్యంగా ఆడవారికి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఇలా ఒంటరి ఆడవాళ్ళని టార్గెట్ చేసి కుట్రలు పని వాళ్ళని మానసికంగా శారీరకంగా వేధించే వాళ్ళందరికీ నా విజ్ఞప్తి, ప్లీజ్ మీరు పోలీసులను సంప్రదించండి. మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ పోలీస్ తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ అప్రోచబుల్ అండ్ కంఫర్టబుల్ టు షేర్ ద ఇష్యూస్ అండ్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్. ఐఎమ్ మై హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ప్రజాసేవ కోసం मेरा नाम नियामतुल्ला खान है. मैं मुसलामाबाद मलकपेड़ में रहता हूँ. अभी जैसा एक भाई बताए उनकी बेटी की हिफाजत पुलिस वाले करे, अभी जैसा बड़ी माँ बताए उनके पास जो उनका इंसिडेंट है सो अपना अपना इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ. मलकपेड़ PS लॉ एंड ऑर्डर SHO साहब सुब्बाराव साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और क्राइम के DI साहब से भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. रीसेंट लॉकडाउन में एक दो जवान बच्चियाँ एक हॉस्टल में फंस गए थे, तो ऑन द टाइम मेरे को कोई कोलीग मेरे फ्रेंड्स मेरे को बताया कि भाई जवान बच्चियाँ हैं हॉस्टल वाले लॉक डाल के चले गए थे यार, उन लोग कुछ एग्जाम्स लिखने आए थे. आंध्रा के रहने वाले बच्चियाँ थे कड़ापा के, तो मैं जाके हमारे SHO साहब को बताया, साहब ऐसी की बात ऐसी है, तो साहब मेरे को एक लेटर लिख के दिए. साहब मेरे को पर्सनली एक लेटर लिख के देने के बाद वो बच्ची के कोई रिलेटिव्स कोकट पली के एरिए में रहते, तो वहाँ पर जाके उनको कार अरेंज करके उन लोगों को उनके सेफ जगह पे पहुँचाए. ये पुलिस फ्रेंडली पुलिस है साहब. ये पुलिस इससे पहले आई थिंक मेरे को, मैं तो 20 साल से ऑलमोस्ट सोशल वर्क कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मलकपेड़ में मुसलमबाग में रहता हूँ, ऐसी पुलिस मैंने देखा साहब. रिसेंटली एक 10 डेज बैक का एक छोटा इंसिडेंट है, मैं एक मिनट और लूँगा आप लोगों का. हमारे DI नानू नायक साहब, एक मिसिंग केस था, जवान बच्चा बच्ची और आजकल ज़माने में अफेयर हैं सारा ज़्यादा बढ़ गए, तो उस वजह से वो बच्ची बच्चा दोनों कहीं चले गए थे. 24 आवर्स मैं ज़्यादा बता रहा हूँ शायद आप लोगों को, 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों को ट्रेस करके बुला के PS में बिठा के वो सॉर्ट आउट कराए. वो हिंदू थे मुस्लिम थे उससे पर मायने नहीं रखा. आप लोग जो करें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ साहब लोगों का. आज हम सब लोग जो मरहूम पुलिस वाले हैं जो गुजर गए, उनके भी फैमिलीज होंगे, उनके दिलों पे क्या गुजरती होंगी जो उनके सनात आज नहीं है, और मैं उन लोगों का भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये पूरी महफिल को आज यहाँ पर मौजूद है. शुक्रिया. ACP साहब शुक्रिया साहब.